फ्रेंड्स, आज बात कर लेते हैं कि फरवरी मंथ में ऐसे कौन से 2 से 3 काम हैं और वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जो गुड़हल के प्लांट में डालने से गुड़हल में अच्छी तरह से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, साथ ही उसमें फूल भी आने लगेंगे। फ्रेंड्स, पहली बात है कि आपका फ्लावर प्लांट कितना पुराना है, उस हिसाब से आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। यदि आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा 5 से 6 साल पुराना भी हो गया है और यदि उसमें इस तरह से रूट ऊपर आके दिखने लगी हैं, ये मेरा प्लांट तो अभी नया है, मैंने अभी 1 साल पहले ही लगाया है, तो फिर फ्रेंड्स उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। साथ ही उसकी यदि जड़ें बाहर निकल के आ रही हैं तो आपको उसकी फिर रूट प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी। तो आप अपने प्लांट को चेक करें, उस हिसाब से इसको रिपोर्ट करें। दूसरा काम है इसकी स्टेम प्रूनिंग का। यदि इसकी स्टेम बहुत बड़ी बड़ी हैं, मेरा प्लांट ये बहुत बड़ा हो गया था, मैंने इसकी पूरी तरह से ये देखिए प्रूनिंग कर दी है सारे प्लांट की। इसमें फूल भी आ रहे थे और बड्स भी आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी, क्योंकि प्रूनिंग करने से प्लांट घना होगा और उसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी और फूल का साइज़ भी अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, दूसरा काम इसकी प्रूनिंग का है। तीसरा काम है इसमें आपको मिट्टी की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करने के बाद 1 दिन के लिए छोड़ देना है। और फ्रेंड्स, यदि आपका प्लांट में रिपोर्टिंग संभव नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हैं, प्लांट बड़ा भी हो गया है और उसको बहुत पुराना भी हो गया, तो उसके लिए मैं आपको एक और तरीका बता देती हूँ जो कि मैं अभी आजमा रही हूँ। इसमें से आप आधी मिट्टी खाली कर लें पॉट में से और उसमें नई मिट्टी डाल दें। देखिए, मैंने आधी मिट्टी खाली कर ली है और इसमें मैं नई मिट्टी डालने वाली हूँ, तो आप इसमें नई मिट्टी ज़रूर डालें। तो फ्रेंड्स, ये मिट्टी मिलाते समय इसमें आप जिस तरह से हम सॉइल मीडिया तैयार करते हैं, उसी तरह से मैंने इसे तैयार कर लिया है। इसमें कुछ मात्रा मैंने बर्मी कंपोस्ट की मिला ली है और साथ ही मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है और इसको हम अपने प्लांट में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो आधी मिट्टी है पुरानी, वो हट जाएगी और ये नई मिट्टी आ जाएगी, तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हमें इस मिट्टी से इस प्लांट के लिए मिल जाएंगे। तो हमें इसको अच्छी तरह से इसमें मिला देना है। अब बात कर लेते हैं उस फर्टिलाइज़र की, जो फर्टिलाइज़र ज़रूरी है हमारे इस प्लांट को। तो फ्रेंड्स, हमारे जो गुड़हल के प्लांट के लिए हमारा जो फर्टिलाइज़र है इस समय देने के लिए मैंने यूज़ की है ये चाय पत्ती, जो कि फ्रेश टी लीफ है। तो इसकी आप 1 गिलास पानी में आधे चम्मच के आसपास चाय पत्ती मिला दें और चाय पत्ती मिलाने के बाद इसे 7 से 8 घंटे के लिए ढक के रख दें। जितने भी चाय पत्ती के न्यूट्रिएंट्स होंगे वो पानी में मिल जाएंगे और उसके बाद हम इसको डालेंगे। तो मैं इसे ढक के रख देती हूँ फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मैंने ये तैयार किया हुआ है, आप ये देख रहे हैं, ये ज़्यादा मात्रा में मैंने चाय पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है। इसको मैं छान लेती हूँ। छानने के बाद फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे पास तैयार हो गया है। इस प्लांट में मैं हल्का सा पानी डालूंगी पहले, क्योंकि हमने अभी मिट्टी भरी है तो मिट्टी हल्की सी नम होनी चाहिए, ओवर वाटरिंग ना करें। और फ्रेंड्स, ये जो फर्टिलाइज़र है वो आप शाम को या सुबह ही दें, धूप में, तेज़ धूप में नहीं देना है। तो अब इसमें, इसके बाद हम इसमें पानी डालने के बाद इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करेंगे। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से हमारे प्लांट को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मिलेगा, जिससे हमारा प्लांट ग्रोथ हेल्दी करेगा, साथ ही इसमें फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, फरवरी के महीने में आप ये फर्टिलाइज़र ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।